ओके जी, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये सेशन होगा सितंबर 2024 एग्जाम के लिए। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली F1, F2, F3 वगैरह से फ्री होने वाले हैं और उसके बाद वो नॉलेज लेवल्स को क्रॉस करके स्किल्स लेवल के ऊपर आएंगे, और पहली मरतबा अगर कोई स्किल लेवल का पेपर दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि F1, F2, F3 का फॉर्मेट पेपर का डिफरेंट है, और उसके बाद F5 ऑनवर्ड जो पेपर फॉर्मेट है इज क्वाइट डिफरेंट। उन्हें पता होना चाहिए कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है और किस तरह से आगे स्किल्स लेवल के एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोफेशनल एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें किस तरह से पेपर आगे ऑप्ट किए जाते हैं। तो हमारा ये जो पेपर है FR का, इसका हमारे पास एक प्री रिक्विजिट पेपर है FA। जिन लोगों को FR में सक्सेसफुली पेपर पास करना है, उनके पास FA की नॉलेज थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये पेपर आगे आपको हेल्प आउट करेगा SBR में, और फिर आगे ये पेपर आपको हेल्प आउट करेगा एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में। तो इस पेपर को दो ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के पास होने चाहिए कि आपको ये पेपर पास भी करना है। नंबर 1, पहला ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू एटलीस्ट गेट 50 मार्क्स पास करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपकी लर्निंग, आपको IAS और IFRS यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपको नॉलेज इस तरह से हासिल करनी है कि आगे आपको SBR में भी हेल्प मिले और आपको एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में भी हेल्प मिलनी चाहिए। क्योंकि आगे जितने भी प्रोफेशनल पेपर्स होंगे, SBR होगा, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस होगा, ये इजी एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो प्रीवियस अगर नॉलेज आपकी अच्छी होगी, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन नियर फ्यूचर। अच्छा, अब FA के एग्जाम में FR की क्या कनेक्टिविटी बनती है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो FA के एग्जाम में अगर स्टूडेंट ने पढ़े हुए हैं या अब रिसेंटली पढ़ के पास किया है, तो किस तरह से वो FR के एग्जाम में उसको हेल्प आउट करेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने FA में वो कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं जो आपको FR में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FA में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। सो ये एक टॉपिक है। यहाँ पर FR में हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाता है अक्सर एग्जाम में। 20 मार्क्स से एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी। तो FA से जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का आइडिया आप लोगों के पास होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बस फर्क ये होगा कि FR में जो हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, उसमें एडजस्टमेंट्स जो दी जाएंगी वो एडजस्टमेंट IAS और IFRS की दी जाएंगी। वहाँ पर सिंपल बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट नहीं होंगी, वहाँ पर IAS और IFRS की एडजस्टमेंट्स होंगी। तो बेसिक अगर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइडिया है, और शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, राइट शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, इस तरह की चीज़ें आइडिया है, डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे होती है, इसका अगर स्टूडेंट को आइडिया होगा, डेप्रिसिएशन को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो स्टूडेंट को इस टॉपिक के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट, किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, और किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई जाती है। तो एक तो ये टॉपिक हमें हेल्प आउट करेगा। दूसरा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट FA के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं। वहां पर उसे बैलेंस शीट बेसिक बनाना सिखा दी जाती है, वहां पर उसे इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा दिया जाता है। FR में हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट और कॉम्प्लेक्स इनकम स्टेटमेंट बनाने होंगे, लेकिन सारी बेसिक नॉलेज वही होगी जो हमने FA के सिलेबस के अंदर पढ़ी हुई होगी। लाइक गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, रिटेन अर्निंग कैसे निकाली जाती है, NCI कैसे निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में NCI कैसे निकाला जाता है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग कैसे एडजस्ट की जाती है, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, वही तमाम चीजें यहाँ पर आएंगी। बट कुछ एडवांसमेंट के साथ डिफिकल्टी लेवल हमारा कुछ ज्यादा होगा, और इसका भी एक एक्सपेक्टेड 20 मार्क का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकता है। तो
कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 20 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 मार्क का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। लाइकवाइज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। एफए के अंदर या एमए के अंदर स्टूडेंट को रेशियो एनालिसिस पढ़ाया जाता है, सारी रेशियोज कैलकुलेट करना, उसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन सिखाई जाती है। यहाँ पर एफआर में इसके ऊपर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है जिसमें कैलकुलेशन की वेटेज कम होती है और जो एनालिसिस होते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। और ये समझ लें कि एफआर के एग्जाम में रेशियो एनालिसिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। मेंशन नहीं है कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, लेकिन आप एज्यूम कर लें एग्जाम में जब जाएं तो ये एज्यूम करें कि रेशियोज के ऊपर एक सवाल आएगा। अब वो 100% होगा या पार्शल होगा, दैट वेरी फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, लेकिन 20 मार्क्स का एक लाइकली सवाल हमें एग्जाम में मिलेगा। तो इसके अंदर हमें जो एफर्ट करनी है वो कैलकुलेशन तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करनी है वो ये एफर्ट करनी है कि कॉमेंट्री कैसे लिखते हैं, रेशियोज को एनालाइज कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियोज को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, लास्ट ईयर से कंपैरिजन, इंडस्ट्री एवरेज से कंपैरिजन, तो किस तरह से हम डेटा को इन्वेस्टिगेट करना सीखेंगे, वो इस टॉपिक में कवर होगा। तो मेनली एफए के ये तीन टॉपिक्स अगर स्टूडेंट ने पढ़े हुए हैं तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसी तरीके से अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है स्टूडेंट ने एफए के अंदर, उसे याद है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एफआर के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो आईएएस और आईएफआरएस उसने एफए में पढ़े हुए हैं वो सारे एफआर में दोबारा एग्जामिनेबल होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आईएएस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, इसी तरीके से आईएएस 38, इंटेंजिबल एसेट, ये भी दोबारा रिपीट होगा हमारे पास। लाइकवाइज आईएएस 2 इन्वेंट्री, आईएएस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एफआर के लिए 37 प्रोविजंस, एंड लाइकवाइज जो कॉन्सोलिडेटेड रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं सच एज आईएफआरएस 10, आईएफआरएस 3, ये कॉन्सोलिडेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड हैं जो हमने एफए के अंदर पढ़े हुए हैं। अब जिन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, जस्ट इग्नोर दैट, लेकिन ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने एफए पढ़ा हुआ है, और जिन लोगों ने एफए नहीं पढ़ा हुआ उन लोगों को एग्जेम्पशन मिली हुई है, तो हम सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे होंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स भी हम स्क्रैच से पढ़ेंगे, रेशोज का टॉपिक हो गया या कॉन्सोलिडेशन हो गया, हम सब स्क्रैच से पढ़ेंगे। बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसके पास प्रायर नॉलेज मौजूद होगी उसको एफआर के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होगी इन सारे प्रीवियस टॉपिक्स की वजह से, और जो नहीं पढ़कर आ रहा होगा उसे डेफिनेटली वो एडवांटेज नहीं होगा जो दूसरे स्टूडेंट्स के पास हो सकता है। अब मूविंग ऑन टू दो चीज़ें हमें फर्दर डिस्कस करनी है, एक तो सिलेबस में हमारे क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और दूसरा हमारा पेपर स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे पेपर में, पेपर फॉर्मेट हमारे पास क्या है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर फॉर्मेट। एफआर का जो पेपर हमें अटेम्प्ट करना है उसके अंदर पेपर किस तरह से आता है, तो सेक्शन ए हमारे पास आएगा जो कि OTQ बेस्ड होगा, यानी कि MCQs और ब्लैंक्स वगैरह। हमारे पास 15 OTQs होंगे, 15 सवाल होंगे, एक सवाल की वेटेज होगी 2 मार्क्स की, और ये सेक्शन हमारा होगा 30 मार्क्स का। इस सेक्शन में हमें कोई वर्किंग वगैरह शो नहीं करनी होती, या तो हमारा आंसर ठीक होगा या हमारा आंसर गलत होगा। और ये पूरे 15 OTQs कहाँ से एग्जामिन किए जाएंगे, ये कहीं से भी एग्जामिन किए जा सकते हैं, इंटायर सिलेबस से आ सकते हैं। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि जो एरिया सेक्शन बी और सेक्शन सी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन एरिया से सेक्शन ए के सवाल नहीं बनते, या एग्जाम में वो एरिया जो हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट एरिया कंसिडर कर रहे होते हैं, एग्जामिनर कोशिश करता है कि सेक्शन ए के सवाल वहाँ से बनाए जाएँ, या छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं वो उन पे एरियाज पे ज़्यादा सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो उसको पूरे सिलेबस के ऊपर कवरेज होनी चाहिए, नंबर वन, और दूसरा ये है कि उसने अच्छी एग्जाम प्रैक्टिस की हुई हो OTQs की, यानी कि हर टॉपिक के एटलीस्ट हमने 10 to 15 अगर OTQs ट्राई किए हुए हैं
तो इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम में हम इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते, और नॉर्मली इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली वीक होती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होगी, या तो सिलेबस पूरा कवर नहीं किया हुआ होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने IS-2 को स्टडी नहीं किया। सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, IS-2 इन्वेंट्री किसी स्टूडेंट ने इग्नोर कर दिया, उसको स्टडी नहीं किया प्रॉपरली, और एग्जामिनर ने IS-2 का 1-2 मार्क्स का OTQ पूछा, तो इसका मतलब आप वो OTQ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के पास सपोज कर लें कि कॉन्सोलिडेशन की बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है, और स्टूडेंट ये एंटिसिपेट करके गया कि कॉन्सोलिडेशन सेक्शन सी में नहीं आएगा, सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, और एग्जामिनर ने 2-3 सवाल कॉन्सोलिडेशन के सेक्शन ए में पूछ लिए, एग्जामिनर रेशियो भी पूछ सकता है, कॉन्सोलिडेशन भी पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन वाला एरिया भी पूछ सकता है, सिलेबस का कोई भी एरिया सेक्शन ए के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है, तो हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जा सकते। वो स्टूडेंट जो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के जा रहे होते हैं वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। इसी तरह हमारे पास जो सेक्शन बी आएगा एग्जाम में, वो सेक्शन बी में हमारे पास 3 OT केस होगा, सिनेरियो बेस्ड 3 सवालात होंगे हमारे पास, 10 मार्क ईच, हर सवाल की वेटेज होगी 10 मार्क्स, तो 10-10 नंबर के हमारे पास 3 OT केस आएंगे, आपको सिनेरियो दिया जाएगा और हर सिनेरियो से रिलेटेड 5 OTQs दिए हुए होंगे। यानी कि जो 10 मार्क्स का वेटेज है, ये जो 10 मार्क्स हैं ये किस तरह से बने हुए होंगे, 5 OTQs होंगे multiply by 2, तो ये हमारे 10 मार्क्स इस तरह से कवर हो रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 मार्क के क्वेश्चन में 5 multiply by 3 15 OTQs फर्दर हमारे पास आएंगे। तो सेक्शन ए में हमारे पास ऑलरेडी OTQs आ रहे हैं, सेक्शन बी में हमारे पास ऑलरेडी OTQs आ रहे हैं, तो हमारे पूरे पेपर में सेक्शन ए में 15 OTQs, सेक्शन बी में 15 OTQs, तो 30 OTQs हमारे सेक्शन ए और बी में कवर होंगे, और टोटल वेटेज हमारी कवर होगी OTQs से 60 मार्क्स। फर्क क्या हुआ? सेक्शन ए में जो OTQs आ रहे हैं उसके पीछे सिनेरियो नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में जो OTQs आएंगे उस सवाल हर क्वेश्चन के पीछे एक सिनेरियो होगा। अब वो सिनेरियो, अब वो जो क्वेश्चन है वो किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के ऊपर भी आ सकता है, एक क्वेश्चन एग्जामिनर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन बनाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने IAS 16 के ऊपर पूरा सवाल क्रिएट कर दिया 10 मार्क्स का, और ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन 10 मार्क का मल्टीपल स्टैंडर्ड के साथ पूछ ले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक एक 10 मार्क के क्वेश्चन में IAS 16 प्लस IAS 38 प्लस IAS 36, ये 3 टॉपिक्स मिलाकर पूछ लिए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि IAS 37 के ऊपर एक इंटायर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना लिया। क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी के होंगे। वो स्टूडेंट जो सिर्फ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करके जा रहा होगा वो भी स्ट्रगल करेगा, वो स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल को इग्नोर करके जा रहा होगा वो भी स्ट्रगल करेगा। न्यूमेरिकल भी अच्छे होने चाहिए और थ्योरी की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए भी सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जितने ज्यादा हमें सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, हमें आदत होगी कि सिनेरियो से रिलेटेड सवाल किस तरह से सॉल्व करते हैं, उतना हमारा स्कोर इसमें ज्यादा आएगा। तो सेक्शन ए और बी हमें कोई वर्किंग शो नहीं करनी, जस्ट आंसर या तो ठीक होगा या आंसर गलत होगा, ये 60 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस 60 में से जितने ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से स्कोर करेगा उसके पेपर में पास होने के और अच्छा स्कोर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है सेक्शन सी, जो कि CRQs पर बेस करता है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो कि हमें एक्सेल पर या वर्ड पे टाइप करके उसका आंसर करना होगा, यानी कि ये रिटर्न होगा, और यहाँ पर आपको आपने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
अब ये सेक्शन सी जो है इसकी वेटेज है हमारे पास 40 मार्क्स की, और इस 40 मार्क्स में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो भी 20 मार्क्स का होगा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहां से आएगा, तो इन दो क्वेश्चंस के लिए हमारे पास तीन टॉपिक है। या तो एक क्वेश्चन रेशोस से आएगा पूरा का पूरा सवाल, या एक क्वेश्चन इंटायरली कंसोलिडेशन से आ जाएगा पूरा का पूरा, या एक क्वेश्चन जो होगा वो कंपनीज अकाउंट से आ जाएगा, सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर या तो रेशो कंसोलिडेशन पूछेगा या रेशोस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछेगा, और एग्जामिनर अगर चाहे तो ये भी कर सकता है कि वो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन प्लस रेशो को कंबाइन करके भी सवाल बना सकता है। तो जो स्टूडेंट ये एंटिसिपेट करके जाएंगे कि पिछली अटेम्प्ट के अंदर कंसोलिडेशन पूछा था अब नहीं आएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इन तीनों टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ये एज्यूम करके जाना है कि इन तीनों में से कोई भी दो टॉपिक्स या तीनों टॉपिक्स पेपर में एग्जामिन किए जा सकते हैं। सेलेक्टेड स्टडीज करना इज वेरी रिस्की, किसी पूरे टॉपिक को इग्नोर करना इज एंटायरली रिस्की। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जाम में, अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें तो रेशोस की कमेंट्री करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना, तो इसलिए ये टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह हम रेशोस की कमेंट्री कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हमें सीखने हैं, कितनी प्रैक्टिस हमें करनी है। सीआरक्यू उसकी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, चाहे कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कंसोलिडेशन हो, या रेशोस का टॉपिक हो। अच्छा, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टूडेंट को चैलेंजेस क्या आते हैं? कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सवाल होता है उसमें मुख्तलिफ आईएएस और आईएफआरएस टेस्ट किए जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक आईएफआरएस है वो आपको नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है उसकी एडजस्टमेंट भी सवाल में अच्छी नहीं होगी और मार्क्स लूज कर देंगे। टिपिकल आईएएस आईएफआरएस जो यहाँ टेस्ट किए जाते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो भी मैं एक टेंटेटिव यहाँ लिख देता हूँ। आईएएस 16 की एक एडजस्टमेंट हो सकती है, इसी तरह से आईएएस 12 की एक एडजस्टमेंट हो सकती है, आईएफआरएस 9 की, ये मोस्ट लाइकली एडजस्टमेंट होती है, मोस्ट लाइकली जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं। IFRS 16 की एडजस्टमेंट हो सकती है, ये वन ऑफ द मोस्ट लाइकली एरियाज मैंने यहाँ पे लिखे। सो 5, 6, 7 IAS IFRS की एडजस्टमेंट दी जाएंगी, उन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा और उससे फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें कंपाइल करनी पड़ेगी। तो ये है आप लोगों का पेपर का स्ट्रक्चर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 30 मार्क्स सेक्शन ए में कवर हो रहे हैं OTQs, 30 मार्क्स सेक्शन बी में कवर हो रहे हैं 3 OTKs questions, और 40 मार्क्स हमारे सेक्शन सी में कवर होंगे 2 CRQ 20-20 मार्क्स ईच। अब प्रैक्टिस इसी मोड पे करनी होगी, इसका मतलब है OTQs की भी प्रैक्टिस करनी है, OTKs की भी प्रैक्टिस करनी है, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एरिया के अंदर स्टूडेंट की वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, वो सेक्शन ए में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आता है लेकिन सेक्शन सी में वो स्ट्रगल कर रहा है। इसी तरह एक स्टूडेंट है वो सेक्शन सी में अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन वो अल्टीमेटली सेक्शन ए के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है अपनी कि आपकी हर एरिया के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उन पर हम ज्यादा एफर्ट करेंगे, आपको गाइड किया जाएगा कि जी कंसोलिडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कंसोलिडेशन को ज्यादा अच्छा करना है, इसमें हमारी एक लाइकलीहुड ज्यादा होगी। तो किसी भी एग्जाम में, चाहे एफआर का एग्जाम हो या एफएम का एग्जाम हो, स्टूडेंट को तैयारी करने का तरीका बताया जाता है कि देखें आप ट्यूटर से ये पूछें कौन से एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप बाकी एरियाज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें। अगर आपको ट्यूटर ये एडवाइस कर रहा है कि जी कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे, कंसोलिडेशन पे भी फोकस करेंगे और बाकी एरियाज के ऊपर भी फोकस करेंगे। स्टूडेंट कहाँ पर जाके फंसते हैं, जहां पर वो सेलेक्टेड स्टडीज करते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हैं और पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करते, या फिर लास्ट 15-20 डेज में तैयारी करने की
कोशिश कर रहे होते हैं या फिर प्रॉपर रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, आउटडेटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पर स्ट्रगल करते हैं। बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो ये एग्जाम किसी सूरत फेल नहीं हो सकते, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। और जिन लोगों को एफए का अच्छी तरह से आइडिया होगा तो उनके लिए तो बहुत इजी एग्जाम बन जाता है, प्रोवाइडेड दैट आपकी डायरेक्शन और प्रैक्टिस मटेरियल आपने जो इस्तेमाल किया होगा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो एग्जाम स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से एरियाज शामिल हैं, कौन कौन से आईएसएस और आईएफआरएसएस हमें कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। क्योंकि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ने जा रहे हैं तो सारे आईएएस और आईएफआरएस जो सिलेबस में होंगे उनको हमें पढ़ना है। तो आईएएस की एक लिस्ट है, आईएफआरएस की, आईएएस की, वो लिस्ट यहाँ पे या तो मैं आपको दे देता हूँ या फिर सिलेबस डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से आईएएस हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक टॉपिक जो एफए में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वो यहाँ पर पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल टॉपिक। इसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से ग्रुप अकाउंटिंग या कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटायरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लाइकलीहुड है कि आपके पेपर में कॉन्सोलिडेशन से एक 20 नंबर का सवाल आ सकता है। कॉन्सोलिडेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसी तरीके से रेशोज एंड इंटरप्रिटेशन, रेशोज और उसकी एनालिसिस, तो पहले मैं बता चुका हूं कि इसके भी हमारे चांसेस हैं कि 20 नंबर का सवाल इसके ऊपर आ सकता है। लाइकवाइज अब हम आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर जा रहे हैं, तो पहले मैं वो आईएएस यहां पे लिस्ट डाउन करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, जिनकी बहुत ज्यादा वेटेज है सिलेबस के अंदर, जैसे आईएएस 16। अब स्टूडेंट्स को ये पता होता है, उन्होंने एफए में ये पढ़ा हुआ होता है कि जी आईएएस क्या होते हैं, आईएफआरएस क्या होते हैं, तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी स्पेसिफिक इशू को टारगेट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आईएएस 16 पढ़ते हैं तो हमें अकाउंटिंग का तरीका बताया जाता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अब जिन स्टूडेंट से पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि यहाँ पर हम प्राइमरली टेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं कि टेंजिबल एसेट जब खरीदे जाएंगे तो कैसे अकाउंट फॉर किए जाएंगे, हम उनका रिलेटेड डेप्रिसिएशन कवर कर रहे होते हैं, जो जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, प्रोडक्शन मेथड हो गया। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो एफआर में है वो है रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं जिस चीज को हाईलाइट करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करना है कि यार इस पे काम करना है, इस पे एफर्ट करनी है, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, इसकी हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो रीवैल्यूएशन टफ टाइम देता है स्टूडेंट को आईएएस 16 के अंदर, और अगर उन्हें डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है स्टूडेंट का कि उन्हें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग नहीं आ रही होती। इसी तरीके से इसके साथ हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि स्टूडेंट पहली मर्तबा पढ़ रहा होता है, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पहली मर्तबा पढ़ेगा और इंटायरली इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं की, ये सेक्शन बी में एक पूरा सेपरेट क्वेश्चन बनकर आ सकता है 10 मार्क का, और सेक्शन सी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट लाजमी आती है। इसी तरह आईएएस 16 के ऊपर भी सेपरेट सवाल बन सकता है सेक्शन बी में, और एक सेपरेट एडजस्टमेंट यहाँ पर भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसी तरीके से अब डिफरेंट टॉपिक्स जो भी हमारे सिलेबस में है उसकी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जो आपको कंसिडर करने। इसी तरह एक और टॉपिक है हमारे पास आईएएस 12 टैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन बी में भी सवाल आ सकता है इसका 10 मार्क का, और सेक्शन सी में इसकी एक कंपलसरी एडजस्टमेंट सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आती। तो जब हमें ये पता होता है कि ट्यूटर से आप पूछ रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा, सो दैट हेल्प्स यू आउट। अच्छा एक मिनट वेट करें, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट वेट। मीनवाइल अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोले।
आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है जिसमें हमने सिलेबस, टॉपिक्स, रिसोर्सेज, वो थोड़ा सा गाइडेंस वाला सेशन है, उस डिस्कस करेंगे। टॉपिक आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे अपने, तो इसलिए आप लोगों के पास राइट है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बीच बीच में सवाल भी पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लें, एंड में पूछने के बजाय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर अली कैसर स्पीकिंग। ये बस मैं सर आपसे जानना चाह रहा था, इसमें हमें जैसे मैं पिस्पा के लिए अपेयर हो रहा हूँ इन तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेक्शन के लिए, तो इसमें सर कौन सी बुक जो होगी जो कि हेल्प करेगी इसके लिए? देखिए, ACCA की जो FR की बुक है ना, वो इंटायरली हेल्प आउट करती, उसी बुक से आप तैयारी कर सकते। अच्छा ओके सर ठीक है, वो सारे एरियाज आपके कवर करेगी, ऑलमोस्ट सारी चीजें उसी तरह से होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर लें, वो आपको हेल्प आउट कर देगी। सर मेरे पास जो बुक है इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वो नंदा कुमार अनकारत है और कल्पेश जे मेहता, ये राइटर्स हैं जो कि मेरे पास है इनकी। इससे बेहतर है कि आप ACCA की जो FR की बुक है ना, वो इस्तेमाल कर लें। ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा आपको, मसला खराब करेगा आपको। राइट हो गया सर, थैंक यू। ठीक है बॉस, एनी अदर क्वेश्चन? सर हम स्टडी हब से कुछ स्टडी हब से टेक्स्ट पढ़े या कापलन के बुक से पढ़े? जी मैं इसके ऊपर अभी आ रहा हूँ, मैं आपको स्टडी हब को भी कुछ पोर्शन दिखाऊंगा कि वहाँ का जो रिसोर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव है या आप कैपलान से पढ़ेंगे। दो दो जगह से आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, किसी एक जगह को आप ऑप्ट कर लेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव है। और क्योंकि ACCA ने आपके लिए ये स्टडी हब डेवलप किया है, तो स्टडी हब को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर प्रैक्टिस मटीरियल भी है, थ्योरेटिकल मटीरियल भी है, क्वेश्चंस भी हैं, तो एडवाइजेबल ये कि स्टडी हब को इस्तेमाल किया जाए। मैं एडवाइस पर्सनली ये करता हूँ कि आप स्टडी हब को इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी हब के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी हब के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो मैं स्टडी हब में आपके पास जो FR का चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप सवाल पूछें। सर ये IAS एंड IFRS में क्या फर्क है, थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज? देखें, जो लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं उन्हें आइडिया होता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आजकल फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो सारे होते हैं IAS और IFRS, ठीक है। जो भी कंपनीज अकाउंटिंग कर रही हैं आजकल दुनिया में, वो IAS और IFRS को फॉलो कर रही होती है। अब ये IAS IFRS जो ना अभी 100% हर जगह के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज ने भी इनको एडॉप्ट किया हुआ है वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हैं ये एक ही, ये अलग अलग नहीं है। ये क्या है, ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं कि जी आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने मसला बताया टेंजिबल नॉन करंट एसेट का, अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है ये आपको कौन बताएगा? ये आपको रिलेटेड IAS या IFRS बताएगा कि आपको टेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब IAS और IFRS में फर्क क्या है, तो इसको यूं समझें कि IFRS जो है वो अपडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं, और IAS जो है वो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं जो पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं। और IFRS अब जो नए स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं वो IAS नहीं होते, वो IFRS होते हैं। बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई ये कहता है कि जी IAS किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है और IFRS किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट की होती है। एक स्टूडेंट से मैंने सवाल किया कि भाई डिफरेंस बताएं IAS और IFRS में क्या होता है, तो स्टूडेंट ने कहा IAS अकाउंटिंग के लिए होता है और IFRS रिपोर्टिंग के लिए होता है। बिल्कुल ही एब्जर्ड किस्म की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों रिपोर्टिंग के लिए, दोनों अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक अपडेटेड है, मॉडर्न है, ज्यादा अपडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, ज्यादा ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, और दूसरे पुराने स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, अगर कोई IAS अभी मौजूद है और फ्यूचर में उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आएगी तो फिर वो IAS खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक IFRS बना दिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली IAS 1 की जगह IFRS 18 की बातें हो रही हैं। IFRS 15 जो हमारे पास मौजूद है वो प्रीवियसली IAS 18 था। IFRS 16 जो हमारे पास मौजूद है वो प्रीवियसली IAS 17 था। तो इस तरह से पुराने स्टैंडर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं IAS, और उसकी जगह अपडेटेड IFRS आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इशू होते जा रहे हैं। मसला क्लियर हो गया? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच।
ठीक है जी। तो ये मिसकॉन्सेप्शन गलत है कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों को इशू करने वाली जो बॉडी है वो भी एक ही है जो इनको इशू करती है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ACCA का एक रिसोर्स आ रहा है जो कि सिर्फ ACCA के स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड स्टडी हब। तो ACCA ने अपने स्टूडेंट के लिए हर पेपर के लिए एक रिसोर्स डेवलप किया हुआ है, तो ये आपके सामने FR का रिसोर्स यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के मटेरियल दिए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर मैं IAS 16 को स्टडी करना चाहता हूँ तो ये मेरे सामने IAS 16 खुला हुआ है। अब मैं ये IAS 16 पूरा यहाँ से पढ़ सकता हूँ। मुझे इनिशियल मेजरमेंट पढ़नी है, ये इनिशियल मेजरमेंट के बारे में पूरी डिटेल, बुक से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मटीरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब आप मेन फोकस रखें मेरे लेक्चर के साथ स्टडी हब को, ठीक है। जो लेक्चर में ड्यूरिंग द लेक्चर में नोट्स इस्तेमाल करूंगा वो भी आपको रीड करने हैं, और साथ साथ आपको स्टडी हब को भी कनेक्ट करना है। स्टडी हब से आप चीजें पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कैपलान की बुक को आप साइड में रखें फॉर द टाइम में, ठीक है जी। जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहा था, आई होप उसका मैंने सवाल आंसर कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप जाते हैं तो ये टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये टॉपिक वाइज दिया जा रहा है कि आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और उसकी प्रैक्टिस करना यहाँ से स्टार्ट कर दें। आपने यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस किया तो ये IAS 1 का आपको प्रैक्टिस मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, IAS 1 से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे। तो इसी तरह आप कोई भी IAS उठाएं और उसकी यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस मटीरियल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ACCA का आपके पास एक CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसमें आपको रियल एग्जाम की एक फील दी जाती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ACCA के स्टूडेंट है वो ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइडर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। देखें, ये मैंने एक पास पेपर खोला हुआ है FR का, ताकि आप लोगों को डे वन में एक फीलिंग दे दी जाए कि FR का जो पेपर आपके पास आएगा वो किस तरह से आएगा। ये एक रियल एग्जाम टाइप पेपर खुला हुआ है। तो इसमें जब नेविगेशन में जाते हैं तो हमारे पास देखें सेक्शन ए में हमारे पास 15 OTQs जो मैं आपको एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह सेक्शन बी में हमारे पास अगले 15 questions, और आखिर में सेक्शन सी में हमारे पास पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ये इस तरह से पूरा पेपर डिजाइन हुआ हुआ। अब हम सेक्शन ए पे जंप करते हैं तो देखें किसी स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन, ये देखें इस तरह से आपके पास या तो 4 options आ रहे होंगे या आपके पास ब्लैंक आ सकता है किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे, न्यूमेरिकल सवाल भी आ सकते हैं। देखिए, ये सवाल जो ना IAS 16 पे डिजाइन किया गया है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। एक एसेट को हमने रिवैल्यू किया और आफ्टर रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पूछा जा रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, इस तरह से सेक्शन ए में सवाल आएंगे। अब ये देखें टाइप चेंज हो गई, पीछे हमारे पास जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन आ रहे थे ये अलग है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है, और ये IAS 36 से रिलेटेड एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड सवाल दिया हुआ, वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आपको आता होगा तो आप इजीली ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये IAS 33 एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लाइकवाइज ये IAS 12 के ऊपर एक सवाल पूछा हुआ है। इसी तरह ये जो सवाल है ये IFRS 15 रेवेन्यू पे पूछा हुआ है, ये रेशो का सवाल आ गया। अब रेशो सेक्शन सी में हमने कहा है आएगा, लेकिन रेशो से रिलेटेड एक सवाल, करंट रेशो से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस तरह किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल थ्योरी और MCQs कुछ भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इस तरह के 15 सवाल हमारे सामने आते हैं। अच्छा, कोई भी सवाल कंपल्सरी नहीं होता कि आपको पहले करना है, आप कोई भी सवाल स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे मैं सेक्शन बी पे अगर मूव करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी के सेक्शन बी का पहला सवाल क्या है, तो ये देखें ये है OT केस। इस तरह सिनेरियो दिया हुआ होगा और उस सिनेरियो से 5 सवाल कनेक्ट हुए होंगे, और इसको हम स्क्रीन पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सिनेरियो आ रहा है और राइट साइड के ऊपर एक एक करके हमारे पास सवाल आएंगे। जैसे यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, In accordance with IAS 16, what is the value of the asset?
तो एसेट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे टाइप करनी है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ तो सिनेरियो मेरा लेफ्ट साइड पे वही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मेरी चेंज हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब ये चार ऑप्शन आ गए, थ्योरी का सवाल आ गया। इसी तरह सिनेरियो मेरा बिल्कुल वही रहा, अब आगे IAS 16 का तीसरा सवाल आ गया। तो ये पूरा सवाल लग ये रहा है कि IAS 16 से बनाया हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। पहले तीन सवाल IAS 16 के थे, चौथा सवाल IAS 38 का पूछ लिया। अब ये पूरा हमने यहाँ पे जो ना इसको अगर रिव्यू नहीं किया होगा तो ये हमें आगे जाने नहीं देगा और बार बार यहाँ पर एरर देना शुरू कर देगा, इसलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और रियल एग्जाम में भी स्क्रीन सारी जो आपको दी हुई होती है वो आपको पूरी रीड करनी होती है। अब ये आगे CRQ, अब देखें ये जो CRQ है इसमें ये कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा सवाल दिया हुआ है 15-20 मार्क्स का। और ये देखें पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉन्सोलिडेटेड गुडविल, 7 मार्क्स की कैलकुलेशन। दूसरी रिक्वायरमेंट है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 13 मार्क्स का, पूरे 20 नंबर का कॉन्सोलिडेशन का सवाल। लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है पूरा, ये आप यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ पर आपको जो आंसर करना है आपको स्प्रेडशीट दिया हुआ है, इस स्प्रेडशीट के ऊपर आप पूरा कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और इसी स्प्रेडशीट के ऊपर हम अपनी गुडविल की वर्किंग कर रहे होंगे। मसलन किसी ने अगर FA पढ़ा हुआ है और उसे पता है गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है तो वो वहाँ पर गुडविल का फॉर्मेट बनाएगा और गुडविल का फॉर्मेट बनाकर यहाँ पर अपनी पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह शो कर रहा होगा। लाइकवाइज अगर हम जानना चाहते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा पूछा है, रेशोस का या सिंगल कंपनी का, तो यहाँ देखें ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंपैरेटिवली रेशोस से पूछा गया है। पहले पार्ट में 5 मार्क्स की रेशोस की, पहले पार्ट में एडजस्टमेंट्स हैं, दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करनी है रेशोस 6 मार्क्स की और आखिर में 9 मार्क्स की कॉमेंट्री करनी है। अब देखें यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है तो थ्योरी का आंसर है सारा। कैलकुलेशन वगैरह जो आपको करनी होगी वो कैलकुलेशन वगैरह आप जो भी आपको वर्ड प्रोसेसिंग स्पेस दिया हुआ या तो वहाँ करनी होगी या एक्सेल के ऊपर करनी होगी। तो ये पूरा पेपर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रैच पैड दिया हुआ है जहाँ पर आप अपनी रफ वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन में बिल्ट इन कैलकुलेटर दिया जाएगा, अपनी कैलकुलेशन सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए यहाँ करेंगे और सेक्शन ए में आपको अपनी कैलकुलेशन एक्सेल पे फॉर्मूलाज लगा के करनी है। इसी तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं, कोई सिंबल इस्तेमाल करना तो सिंबल कर सकते हैं। समझ में आया आपको पेपर का फॉर्मेट किस तरह से हमारा पेपर 3 सेक्शंस के अंदर। अच्छा अब ये जो रिसोर्स अवेलेबल है ये आपके पास अवेलेबल होगा CB प्लेटफॉर्म पे, MyACC में जाकर आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे रिसोर्सेज वहाँ पे दिए हुए। इसी तरह स्टडी हब में आपके पास जो रिसोर्सेज दिए हुए आप लॉगिन करें और जब चाहें जितनी चाहें अपने स्टडी हब के ऊपर जाकर अपनी प्रैक्टिस यहाँ से जाकर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। इसका मतलब सर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और मॉक टेस्ट सेम है? जी सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करना है तो वो भी ACC एग्जाम से पहले वहां पर अपलोड करता है, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है तो ACCA ने 15th ऑफ द मंथ के ऊपर अपना एक मॉक एग्जाम हर पेपर का वहां पर अपलोड किया हुआ है। वो मॉक पेपर आप अटेम्प्ट करें, ट्यूटर से उसके ऊपर डीब्रीफ लें और उसमें देखें आपकी परफॉर्मेंस कैसी। तो अब आपको बाकी प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल इज इनफ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैपलान की अपडेटेड रिवीजन किट, जिसके अंदर ऑल सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन और पास पेपर के सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन हम इस तरह से कैपलान किट से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जितने कैपलान की किट बहुत बड़ी है उसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, इनफ मटेरियल है। अगर एक मर्तबा थॉरली कैपलान की किट किसी ने प्रैक्टिस कर ली तो वो ACCA के एग्जाम में फेल नहीं हो सकता स्टूडेंट, गारंटीड ना। स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो कैपलान की किट को पूरी प्रैक्टिस कर सके, तो फिर अगर क्वेश्चन पैदा होता है दूसरी किट का एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल का तो वो यूजलेस है, एक काफ़ी है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इनफ है
तो वो स्टडी हब पे प्रैक्टिस करे अलॉन्ग विद कैपलन और सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करे, बहुत है। तो दूसरा रिसोर्स इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं दी जाएगी, आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं कैपलन किट के बाद की जगह बीपी भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो इट्स अप टू द स्टूडेंट, वो बीपी भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो बीपी भी से प्रैक्टिस कर ले। बहुत ज्यादा मटेरियल डिफरेंसेस आपको दोनों किट के अंदर नहीं मिलेंगे, सब में पास पेपर्स ही होते हैं और उसी को हम लेके चलेंगे। हम किस तरह से लेके चलेंगे, हम टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे। लाइक अगर मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो मेरा पहला टॉपिक होगा, तो जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसकी सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन की और सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद, अगर ये सेक्शन सी में सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जामिन हुआ है तो साथ साथ हम उसका भी एक प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हर टॉपिक जिस सेक्शन में आ सकता है हमारी उस टॉपिक के साथ प्रैक्टिस हो। कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और बाकी आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करके मुझसे डिस्कस करने। जो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे साथ तैयारी करेगा उसके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जो नहीं करेगा ऑब्वियसली उसके पास होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। आईएएस के लिए मैं अपने नोट्स या जहां मैं लिख रहा हूँ ये चीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, जो स्टैंडर्ड के नोट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, वो आप लोग उस नोट्स को अपने पास फॉलो करेंगे, अपने नोट्स बना लें, स्टडी हब के साथ अपने नोट्स को कनेक्ट कर लें, आपको किसी और प्रैक्टिस मटेरियल की जरूरत नहीं, किसी और ट्यूटर के नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पर इनफ हैं, अवेलेबल है, हम ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी, सवाल पूछने तो आप लोग पूछ लें, वरना हम आज के अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन को यहाँ पे कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट एसीसी के एग्जाम में बिजी है, वो हमें अभी आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैं कोई नया टॉपिक, पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा आज। इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्वायरी है, कोई हेल्प सजेशंस लेनी है, कोई मसला है तो यू कैन आस्क, वरना कमिंग सैटरडे से हमारी प्रॉपर जो है डिस्कशन स्टार्ट होगी। शेड्यूलिंग वगैरह के लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप वहाँ रहें उसके हवाले से वहाँ पर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। All fine. So next class कब है? Saturday. और सर टाइमिंग क्या होगी? मैंने कहा ना व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी कम्युनिकेशन की जाएगी। अभी हमने शेड्यूल फाइनलाइज नहीं किया क्लासेस का, लेकिन जो भी शेड्यूल हम फाइनलाइज कर लेंगे हमारी क्लासेस उसी शेड्यूल पर होंगी। जो लाइव क्लास ले सकेगा वो लाइव क्लासेस ले ले, जो नहीं ले सकेगा उसको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। और कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है जी, अगर बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, आप पूछिए। आप हमें फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं इस ये? देखें, इसका जवाब ये है कि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो? नहीं। व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो? जी। व्हाट्सएप फ्री है या पेड है? फ्री है। यूट्यूब इस्तेमाल करते हो? जी। फ्री है पेड है? फ्री। आपने कभी सवाल पूछा उन लोगों से कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वो आपको फ्री क्यों दे रहे हैं? नहीं। कभी आपका अपना असेसमेंट, ऑल ऑफ यू जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी मेरे साथ हैं, अनम्यूट करें, डिस्कशन करें, आपको कुछ चीजें समझाता हूँ कि फ्री देने का, फ्री जो भी चीज आपको मिलती है उसके पीछे क्या पर्पस होता है, ताकि वो क्लेरिफाई हो जाए ना सर। उसकी मैं अगर अपना असेसमेंट करूँ तो उसकी ऑडियंस पर्टिकुलर, जैसे अगर यूट्यूब की बात की जाए तो चैनल की ऑडियंस बढ़ती जाती है और उसमें फिर बैक में एक जो पैसिव एक वो होता है वो फायदा होता है। देखें फेसबुक और यूट्यूब की अगर बात कर ली जाए तो वो आपको फ्री इसलिए देते हैं कि आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, ठीक है? वो अपना सारा का सारा रेवेन्यू जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। आप फ्री इस्तेमाल करते हैं और वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। समझ में आता है ना किसी हद तक कि आपको फ्री क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने पड़े, नंबर वन। लेकिन व्हाट्सएप पर अभी करंटली कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता,
तो व्हाट्सएप आपको फ्री क्यों दे रहा है? व्हाट्सएप का नहीं मालूम सर। अब ये हमारा जो भाई है ना जिन्होंने सवाल पूछा है बांग्लादेश से है, ठीक है, अब ये बांग्लादेश से मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर रहे हैं फ्री। अब बताएं हम लोकल कॉल पे बात करते हैं वो फ्री नहीं होती, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं फ्री, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं फ्री। इसके पीछे जो रीजन है ना वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन से उनको आगे फायदा उठाना होता है, वो इंफॉर्मेशन आगे सेल होती है, ठीक है, वो सारा का सारा मार्केटिंग बेनिफिट होता है। तो हम आपको फ्री क्यों दे रहे हैं, पहला अब इसका जवाब दे देता हूँ। देखें हम आपको फ्री इसलिए दे रहे हैं कि हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन होगी, हम ज्यादा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे ट्यूटर्स की जो एबिलिटी है वो उसी सूरत में लोगों को पता लगेगी जब वो ट्यूटर के लेक्चर सुनेगा, ठीक है। हम अगर इसको मार्केट करते हैं तो कम लोग सुनेंगे, हम एक फ्री सेशन अनाउंस करते हैं, पूरा कोर्स फ्री देते हैं। एक कोर्स हमारा 75 USD का होता है, पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार की प्राइस होती है। अगर हम 10 स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं तो हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, 750 USD, 1000 USD का नुकसान कर रहे हैं आज, लेकिन उसका हमें फ्यूचर में फ़ायदा क्या होगा कि अगर स्टूडेंट हमारे FR के ट्यूटर से सेटिस्फाई होता है तो वो FM हमसे फ्री में, हम FM फ्री में नहीं देंगे उसको, हम उसे SBR फ्री में नहीं देंगे, तो हम उसे अपना फ्यूचर बायर बनाना चाहते हैं। हम उसे ये बताना चाहते हैं कि जी आप ट्यूटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा ट्यूटर आपको FR में नहीं मिलेगा। तो ये जस्ट प्रोमोशनल एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसका सारा का सारा पर्पस मार्केटिंग है जी। शुएब हसन, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। अब आप हमारे लेक्चर्स को किसी भी ग्लोबल टॉप से टॉप टीचर के साथ कंपेयर कर लेना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कोई बहुत हल्का टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई बहुत छोटा मोटा टीचर आपको पढ़ा रहा है। चले मैं आप किसी नए बंदे को पकड़ के ले आऊं और वो आपको फ्री में पढ़ाते समझ में आता है, लेकिन 17 साल पढ़ाने वाला टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप समझे आपका जैकपॉट लग गया इस अटेम्प्ट के अंदर। आपका फायदा क्या है कि आपको USD 75 देने थे, हमने आपके 75 USD बचा लिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। और आपके ऊपर, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, जिन ग्रुप से आप हमारे पास आओ वहां पर रीशेयर करें कि मैंने क्लास ली थी, ओ मुझे मजा आया, मुझे अच्छा लगा, मैं फ्री में सीख रहा हूँ, आप लोग भी ज्वाइन करें, ताकि हम 10 स्टूडेंट को पढ़ाने के बजाय 50 स्टूडेंट को पढ़ाएं, हमारा वर्ड ऑफ माउथ और मार्केट में ज्यादा जाए, ठीक है। और एज ऑफ टूडे मेरी नॉलेज में नहीं है कि दुनिया में कोई ACCA में फ्री कोर्स पढ़ाता है, वो भी लाइव। चले रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तो आपको मिल जाएंगे कि कोई आपको फ्री में दे दे फॉर द टाइमिंग, अगर कोई लाइव पूरा सेशन और अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा हो ना आप मुझे बता देना, इम्पॉसिबल सी बात, ठीक है। शुएब हसन जी, हम अपने YouTube से भी बहुत फ्री में पढ़ा रहे हैं, मेरे YouTube के ऊपर अराउंड 500 वीडियोस हैं, बांग्लादेश के बहुत स्टूडेंट हैं, इंडिया के बहुत स्टूडेंट हैं, नेपाल के बहुत स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के, लेकिन YouTube पे पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं होता, YouTube पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ये कोर्स आपको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ वीकली बेसिस पर क्विजेज असाइनमेंट्स जब आप पूरा करोगे ना तब आप बताओगे कि आपको इस कोर्स में कितना फायदा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसको ऑनेस्टी के साथ पढ़ो ताकि आपको जो ना इससे फायदा भी हो और आपकी कॉस्ट भी सेव हो और आपको पहली अटेम्प्ट के अंदर आपका ये पेपर भी पास हो जाए।